हमारी दावत का इंतजाम हो चुका है मुकम्मल। तो जी ये आप रोटियां इसमें बनेंगी? हाँ जी। भाभी समीना, हाँ जी। तो वीडियो का आज वीडियो की शुरुआत करते हैं भाभी समीना से। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहे फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, हमारे घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं, अल्लाह ठीक रखे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो नेक दुआ के साथ व्लॉग होता शुरू हो जाता है वीडियो की तरह। वीडियो जो है बहुत अच्छी और जबरदस्त होने वाली है हमारे साथ। हाँ जी, इंशाल्लाह बैठे मोबाइल देख रहे हैं मैं सब। अच्छा मैं देती हूँ, दिखाना इधर। किसने किया मेकअप? ये किसने किया है? चलो आज कर लिया ना, लेकिन आइंदा नहीं करना इतना, ठीक है? और इधर और मोहम्मद भी जो है ना, वो भी ये मोबाइल देख रहा है। भाई असगर, क्या हाल है आपका? ठीक है, तबीयत सेहत? यहाँ पे आके ना नींद आने लग गई इस कमरे में ना, ठंडा कमरा, ठंडा कमरा माशाल्लाह ये ना, इसलिए नींद आने लगी। अब देखो पंखा चलाया हुआ है उधर से ना, ठंडी थोड़ी सी हवा चल रही है। क्योंकि ये तो से ना हवा आती है और माशाल्लाह कमरा ठंडा हो जाता है, गर्मी का पता ही नहीं है। अब देखती हूँ जी क्या हो रहा है क्या नहीं। उधर अहमद की तरफ जी जी, कोई लेटा हुआ है, बैठा हुआ है? अच्छा, खाने की कोई तैयारी नहीं है? ये लेकर आया जी अब शकरकंदी, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे लिए शकरकंदी मंगवा दें, तो इन्होंने मंगवाई। अब माशाल्लाह आ जाओ, जिस बहन भाई ने खानी है। वैसे तो नंबरदार कहता था पुप्पो आ जाओ, पुप्पो के आने का फिर ये नुकसान है, ये नुकसान था। फिर पुप्पो की फरमाइश पूरी करो ना। क्यों जी, है ना सुल्तान? सुल्तान भी हंस रहा है जी। वो तो कह रहा है कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, वाकई कोई मसला नहीं है, इधर रखो लेकिन रात के ना हमारे लिए कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है भाई। मेरे लिए मसला है सारी ना खाना। क्यों भाई ऐसे कहते? और जम्बरदार बहुत बहुत शुक्रिया, आ जाओ आ जाओ सब, आ जाओ बच्चों बच्चों को खा ली, एक ही काफी है वैसे, शर्म वाले के लिए ही काफी है। मैं बोलता नहीं। नहीं कुछ नहीं कहते है, हमारी ऑडियंस जन वो जन से आते हैं ना, वो फेक आइडिया बना कर आते हैं ऐसी बातें करने वाले ना। हाँ। उनकी टेंशन नहीं लेते होते। नहीं, मैं किसी की टेंशन नहीं लेता अल्हम्दुलिल्लाह, लेनी भी नहीं। लेकिन ना मैंने कैमरा पकड़ा हुआ, ये खाए जा रहा है, खत्म कर देगा फिर। क्यों जी? तो गौतम बाबा आए हैं और मोहम्मद जॉनसन अपने पापा के साथ है। क्या हुआ, साइकिल लेके भाग गया? अच्छा, चीजी ने नहीं है। अरे हमारी भाभी बलोचना जो व्हाइट हाउस अपना छोड़ कर यहाँ बैठे हुए, भाई खैरियत है? नहीं, यहाँ डेरे लगाए हुए। अच्छा, तो मैं भी देख ले सीढ़ियों में बैठी हूँ, जहाँ हवा लग रही है वहाँ हवा नहीं है। अंदर कमरे में बड़ा सुकून है, लाइट कोई नहीं है, लाइट है क्यों नहीं है? घर जाके आपको चेक कर लेके देंगे, ठीक है? ये जी हैदर, हैदर लेके घूम रहे फिर रहे साइकिल। क्या वो क्या उधर साइकिल लेने से पता है कि मेरी मुमानिया ने यहाँ साइकिलें छुपाई हुई है? अच्छा, जब भी वो लेके आ रहे उधर से। हाँ जी। क्या थे भरजाई? क्या थे? मैं ये बैठी हुई हूँ, मैंने कहा आ रही हूँ, हाथ कैसे बंद है? हमारी बस्ती ना करवाओ, चुप करके हम
चलो चलो अंदर चलो, नहीं इस तरह बैठना बुरी बात है। नहीं मैं ना वो ऐसा हुआ कि मैं इसमें नहीं आकर देखा, मैं ही नहीं आकर देखा। अच्छा हम अंदर ही गए सोच के, बोतल पी है, मैं कुछ खाई है। पैनाडोल पड़ी है? हाँ जी पड़ी होगी। मुझे पैनाडोल की गोली तो मेरे सर में दर्द हो रहा बहुत से। नहीं भूख से नहीं हो रहा वैसे, पता नहीं खा गए। बहुत बहुत मुबारक अजहर भाई आए हमारा, इनसे मुलाकात नहीं है थी ना मैं, तो मैं तो असगर भाई के साथ पता चला असगर भाई आए, तो मैंने कहा चले मैं जाके अरे वाह वाह जी वाह। तो भाभी समीना बना रही हैं चिकन, और चिकन भी जो बना रही हैं वो कढ़ाई भर कर बना रही हैं। माशाल्लाह। हाँ जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली हैं दो, फैमिली अपनी होगी और मेहमान भी हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके रिस्क में इसी तरह बरकत फरमाए रखे। हाँ। और बाकी कहाँ गए सारे? ओहो जनाब मोहतरम इज्जत माँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज सारा दिन आपसे मुलाकात ना हो पाई। हाँ जी, ठीक है। आप सिटी में चले गए थे? मैं सिटी में चला गया था, थोड़ा सा काम था मुझे, तो मैंने कहा चलो मैं अपना काम भी कर लूँ थोड़ा सा, और जो मतलब अपने ऑफिस का काम था वो भी मैंने कहा चलो यहाँ का काम निपटा लूँ। पता क्या कि यार ऑफिशियल टूर बनाया है मैंने इसे आज, और आगे दो छुट्टियां भी तो लेनी है ना, आगे दो छुट्टियां इसीलिए लेनी है। आज काम करके दिया है उन्हें। और बाकी कहाँ हैं? बाकी के भाभी साहिबा ऊपर है तंदूर पे रोटी लगाने। अच्छा अभी तंदूर जल रहा है ऊपर? हाँ वो मैंने देखा था, बेचारी लकड़ियां चुन रही थी वहां पे। गली में रखी है ना वो आने गए थे। चलो पूछता हूँ उससे भी जाके। हाँ, जा चलते हैं अपना भाभी साहिबा की तरह, सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। उफल्ला बूढ़ा हो गया मैं भी सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह दोनों बच्चे कैसे सुकून से खेल रहे हैं, और भाभी साहिबा यहाँ बैठी हुई हैं। खैर है आप ऊपर बैठी हुई हैं? वो तंदूर जलाया हुआ है। हाँ वो मैंने देखा था लकड़ियाँ चुनते हुए ना आपको बाहर से। हाँ जी। मैंने आवाज़ भी दी आप रुकी नहीं मेरे ख्याल। मैंने सुना नहीं, मैंने सुना है आवाज सुनी आपकी, मैंने कहा तो वो मुखलिस भाई से कह रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इसलिए चुप करके आ गई। चले कोई नहीं कोई नहीं। तो जी ये आप रोटियाँ इसमें बनेंगी? हाँ जी। क्या बात है, तंदूर की और पक्का तंदूर बनाया हुआ ये तो। उसके साथ वो फट्टा फुट्टा नहीं रखा हुआ जिस तरह मुल्तान में वो फट्टे के ऊपर घुमा घुमा के रोटियां लगा रहे होते हैं? नहीं, वो नहीं, हम हाथों से घुमाते हैं। अच्छा हाथों से घुमाते हो, सही। चलें कोई नहीं, बनाए जलाएं फिर देखते हैं आज रोटी कैसी बनती है। जी हाँ, आपको भी सिखा देंगे, टेंशन ना। हाँ मैंने नहीं, मुझे वो दूसरी तो आती है। हाँ। दूसरे तंदूर पे बनानी आती है। जी इस तरह हाथों पे बनानी नहीं आती है। गद्दी के साथ है? हाँ वहाँ भी गद्दी के साथ ही लगती है। जी, जी आज असलम खान बलोच के घर में लगा हुआ है बच्चों का बहुत ज्यादा हुजूम, क्योंकि एलईडी पर लगे हुए हैं कार्टून और बच्चे देख रहे हैं कार्टून। और यहाँ पर है हमारे प्यारे से भाई असलम खान बलोच अपने व्हाइट हाउस में काम करवाते हुए, और माशाल्लाह से दरवाजे लग गए हैं, और दरवाजों का काम अभी कम्प्लीट तो नहीं हुआ ना, अभी तो दो लगे हैं दरवाजे। नहीं दरवाजे मतलब आप मुकम्मल हो गए हैं, बाकी ये किचन का रहता है। क्या कबर्ड रहते हैं यहाँ पे? नीचे के कबर्ड और ऊपर के कबर्ड रहते हैं। कैबिनेट, कबर्ड्स बोलते हैं उन्हें, कबर्ड्स। क्या कबर्ड? कैबिनेट नहीं, कैबिनेट होती है हजूम, ठीक है। और ये जो अलमारियां होती है ना छोटे छोटे कबर्ड्स। हाँ चाहे जो भी हैं वो वाले, और उधर एलसीडी के ना मैच लगाना है।
अच्छा, वो LCD के इर्द गिर्द भी लगाना है, मतलब उसके ऊपर भी मतलब कोई शो पीस वगैरह रखे जा सके। सही, मोबाइल चार्जिंग वगैरह ये वो। अच्छा, वहाँ सिस्टम तो नहीं है वैसे मोबाइल चार्जिंग का तुम्हारा? मतलब जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं ना तो उधर रख देते हैं। अच्छा, किचन में रखने की बजाय हम उधर रखते। यार इसके लिए ना एक छोटी छोटी बास्केट से मिलती है मोबाइल्स की ना, वो लगाएं अपने घर में, बड़ी खूबसूरत लगती है। कुछ लगाएंगे ऐसा ऐसा जैसे जैसे पता चलता जाता है जाएगा ना, ये चीज होती है, ये चीज होती है, इधर के लिए ये चीज होती है, वही वही चीजें ला ला। और किचन में मसालों के लिए ना वो एक 8 पीस का सेट मिलता है। वो कल जो है सुबह जो है ना हमने खोले हैं, काफी काफी चीजें थी उनमें, आपको चेक कराएंगे जो जो चीजें लगनी है वो आपने बता दें। बाकी अभी तक हमने आपके व्हाइट हाउस का अपने चैनल पे जो है ना वो दिखाया नहीं है, विजिट नहीं कराया अभी ना, लेकिन वो कराएंगे इंशाल्लाह। आज वैसे मूड था हमारा, लेकिन मुझे सुबह जाना पड़ गया खानपुर, क्योंकि मैं होता तो वो व्हाइट हाउस का विजिट होता जी। माशाल्लाह मेरे मुर्शद यहाँ पहुँच चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुर्शद पाक हाँ दिखाएं। इधर आए हैं, खाना इधर भी बन रहा है, खाना अपना उधर भी बन रहा है। कोई नहीं, हम दोनों जगह खा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पेट अल्लाह मियां ने इतना बड़ा दिया हुआ है। यार आ के दावा दोनों तरफ करो, दोनों घर भी खा लेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है। अभी बना के रहेंगे, देख लो मुर्दी माशाल्लाह भाभी ने खाया रखा है। चिकन चिकन तो क्रीम ला कर दिखा दे सर, वो मैं दिखा चुका हूँ पहले, ये मैं पहले दिखा चुका हूँ। अच्छा, पहले दिखा चुका हूँ। हाँ, जबरदस्त है। और क्या बन रहा है? लुटिया पान दिल तो करेंदा पे होसी थोड़ा जला हुआ है, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती ना, लांगा जाता है, लांगा टापा जाता है, आप हिम्मत बांधो तो लांगा टापा। हाँ, क्या क्या बात है, क्या जरा मुकर्रर मुकर्रर कह रहा है आपकी बेगम को लांगा टापा जा रहा है, आप हिम्मत बांध लो। तो जी यहाँ लांगा टापा की जो है टांग तोड़ी जा रही है बुरी तरीके से, बुरी तरीके से कि जी लांगा है या टापा है जो भी है वो। मैंने पूछा है अकदम भाई से कि भाई खुदा नहीं यहाँ पे है, कहते कौन, मैं कहा गंजा, कहना नहीं है। देखो जी अब ये भी तो किस्मत की बात है कि बंदा अपनी किस चीज से फेमस होता है। मैं अपने सर से फेमस हो रहा हूँ, बल्ब मेरा एवरी टाइम जल रहा है। अच्छा, मैंने भी जाके ख्याल रखो। कितने को बुला कर लाओ, वो रो रही है, बेबी रो रही है, जाओ जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, देखिए तो क्या बन रहा है। उधर भी देखते हैं, आओ चले मुर्शद आप। ये छोटी है सीरी, नहीं यहाँ से तंदूर की वीडियो बना लाया ना? मैं बना लाया हूँ, लेकिन अभी जल रहा है तंदूर, अभी पूरा बखा नहीं है। जब रोटी लगेगी ना मैं जब टाप जाऊंगी ऊपर। अब चलते हैं भाई, हम तुम्हारी दावत कबूल नहीं करते। नहीं, क्यों नहीं करते, हम करेंगे कबूल जी। हाँ, मैं करूंगा कबूल। आप बताओ बताओ। नहीं नहीं जाएंगे, कौन आपको दावत कर रहा है, जाएं आप, जाएं। जल्दी से गेट बंद कर, हाथ हाथ रख के आ सर, दिल पे हाथ रख के कहो। चाचू अहमद वाले को नहीं, ऐसे ही कहो चाचू अहमद। अच्छा, छोटा सोया हुआ था तो अम्मा वहाँ बैठी थी, मैंने कहा अम्मा जी मैं जाऊँ देखते हो क्या हो रहा है। तो वो लगे थे चाय बनाने, जो भाभी आई है ना तेरे भाई की बेगम, उन्हें भूख लगी है, गाओ भाई को गाओ भाभी, मैं चाय लगी बनाने, अमर कहते चाय बना दो, फिर भाभी कहती मैं बना लेती, मैंने कहा चले ठीक है भाभी, अपने मैं इतना टूबल करके आती फिर आकर चाय पीती। बेबी सोया हुआ अपना। हाँ, सोया। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त अकरम खान बलोच के घर जी, अभी वो देख रहे थे ना बच्चे। हाँ जी, जरा देखना भाई, घर वाले घर में हो भाई, हम आ रहे हैं। पहले उससे ये पूछो कि ये मेरे साथ गया था, फिर इन्होंने मेरे साथ क्या किया? नहीं नहीं, असल में सॉरी, मैं उस वक्त आपसे माजरत भी किया अकरम भाई,
कि अजहर भाई जिद कर गए थे कि नहीं मैं लेके जाऊंगा। आप मेरे साथ गए थे? मैंने उन्हें साफ अलवाद में कहा, मैंने कहा नहीं यार मैं आया अकरम भाई के साथ हूँ, मैंने जाना अकरम भाई के साथ। उन्होंने कहा नहीं उसे मैं कह देता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई नहीं इस तरह बात दोनों घरों में हम क्या करें। लेकिन मैंने मुखलिस भाई को कहा भाई सबसे पहले मुझे अकरम भाई ने कहा था मैं खाना वहाँ खाऊंगी, ठीक है, उसके बाद जो खाना आप उधर आगे। इतनी मोटी भी नहीं रही, यानी मोटे दोबारा होने का प्रोग्राम है। देखो ये बहन क्या करेंगी वदी है, मैं तो आता पिया मैं देखो ये बहन क्या करेंगी वदी है। वेरी गुड। अगर उधर प्यार है उधर खा लो, ये कोई मसला वाली बात नहीं है, एक ही है सब माशाल्लाह, कोई अलग अलग घर तो नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो जी मुंशी यहाँ पर खड़ा हुआ है, और मुंशी काम हो गया तुम्हारा? हाँ जी सारा देखे फैन में कर दिया है। नौकर बंदा है कि जिन ने? ऐसा नहीं मुझे बुलाते हैं। अच्छा तो इधर खड़ा है नंबरदार। नंबरदार कैसे हैं आप? आराम से। तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह ओ माशाल्लाह ओ माशाल्लाह ओ माशाल्लाह मेरी जिंद। यहाँ प्याज फ्राई हो रहे हैं और देखते हैं बन क्या रहा है। वैसे अक्रम भाई हम तो बना रहे हैं जी चिकन। ओ यार खुदा का नाम लो। मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था आपने जो चीज खानी है मुझे बता दें। आपने कोई आलू वगैरह डाले? मैं तो इन्होंने कहा मैंने नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैंने आपको क्या कहा था? क्योंकि दाल सब्जी ले आओ, फिर आपने कहा नहीं भाई वो नहीं पका रहे हम। साथ अरे भाई सब्जी तो हम नहीं पकाएंगे। मैंने तो कहा था दाल सब्जी बनाओ, आलू वगैरह डाल लेते। नहीं मैंने कहा था, मैंने कहा जो चीज भाई और नहीं भाई भाई ने कहा है चिकन में आलू पड़े नहीं है। नहीं आलू अगर डालने तो अभी ले आते हैं इधर तो मिल जाएगा भाई, एक दो आलू डालो इसमें बस। हाँ आलू डाल देते हैं। हाँ एक दो आलू डालो इसमें थोड़ा सा शोरबा, हम उसी से खा लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आलू ले यार, ये ले चाबी है। नंबरदार नंबरदार कैच करने में तो मास्टर है भाई। असलम खान की दावत अकरम खान की, असलम खान की कहाँ से आ गई? आपको असलम का बहुत नाम जल्दी आ जाता है, अकरम का नाम भूल जाता है, इसलिए ऐसा हूँ भाई है। ये भी बड़ा भाई है, ये सारे भाई हैं भाई मेरे, सारे भाई हैं, अल्लाह इन्हें जिंदगी दे सेहत दे, टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं कह रहा नंबरदार का। हाँ नंबरदार आलू लेने जा रहे हो? आलू लेने जा रहे हो? मैंने कहा आलू ले आ, मैंने कहा आलू डाले तो खाना खाए भी, रोटी डूब जाती है ना तो उतर जाती है भाई। ये जोड़ी जोनसी है, छुप छुप के क्यों झांक रहे हो? आपकी याद आई तो इसलिए देख रहे हैं। वाकई है असलम भाई? नहीं हम अकरम भाई से बोल रहे हैं, अगर इनको तोते इनके तोते है ना उनके लिए अगर वो बूढ़ा चाहिए ना, हमारे कमरे में बहुत सारा पड़ा है। अच्छा तो ये बोलते हैं मैं ले आता हूँ। अच्छा मैंने कहा झांक रहे हो, खैर है दावत हमारी है। दावत इधर भी दावत उधर भी दावत, जहाँ भी जाओ उधर वही दावत, दावत ही दावत है। दावत का इंतजाम हो चुका है मुकम्मल, चिकन भी यहाँ पे धोली है हमारी फरमाइश पे, आलू भी आ चुके हैं और भाभी जी ने अभी जो ये लहसुन अदरक ये मैं इसमें डालती हूँ। हाँ जी अब इसकी भी अच्छे से भुनाई लग जाएगी, अच्छे से भुनाई करूंगी और जैसे ही मसाला अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगा तो फिर इसमें चिकन डालूंगी। ठीक है जी, आज का खाना अकदम भाई की तरफ जी।